हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पग में जो है कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है इफ और एल्स वाला स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तो वहां पे आपने इफ और इस एल्स स्टेटमेंट का यूज किया होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पग में भी वो काम करता है। सबसे पहले हम लोग जो है अपने index.js फाइल के अंदर जो हम लोगों ने राउट वाला जो यहाँ पे कोड लिखा है उसके अंदर जाके हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे पर्सन रख दिया। और इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो कुछ डेटा स्टोर करेंगे यानी कि की वैल्यू पेयर बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले की का नाम ये रख दिया, इस पर मैंने जो है वैल्यू ये रख दिया, कॉमा लगाएंगे, दूसरा की बनाएंगे, की का नाम मैंने ये रख दिया और की पर जो है मैंने वैल्यू ये रख दिया, कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट की बनाएंगे, तो मैंने यहां पे लिख दिया ये लिख दिया और जो है इसका वैल्यू मैंने यहां पे ये रख दिया। तो ये जो है मेरा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने रेंडर फंक्शन के अंदर पास करेंगे जिसे हम लोग एक्सेस करेंगे अपने example.pug वाले फाइल के अंदर। तो इसके लिए आपको यहां पे कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको यहां पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, एंटर दबाना होगा। इसके अंदर ये भी जो है आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर आपको की बनाना होगा जिसका नाम मैंने यहां पे डेटा रख दिया। कॉलन लगाइए, जो ये वाला आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम जाके आप यहां पर लिख दीजिए। कंट्रोल प्लस एस दबा के हम लोग फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने पग वाले फाइल के अंदर जाएंगे। इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इफ लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है और इस पैरेंथेसिस के अंदर जाके हम लोगों ने ये जो डेटा करके जो की है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पर इस की वैल्यू जब सेट होगी तब क्या होगा, ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये जो की पर जो डेटा मौजूद है वो आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अगर इस पर डेटा सेट नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसकी मदद से हम लोग एक एरर मैसेज आउटपुट में दिखाएंगे। और यहाँ पे वैल्यू सेट होने का मतलब ये है कि आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की वैल्यू पेयर मौजूद हो। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे H1 टैग का यूज करके सबसे पहले एक मैसेज आउटपुट में दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम की पर वैल्यू मौजूद है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं उसे आउटपुट में दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग हैश लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर जाके आपको लिखना है डेटा, डॉट लगाना है, कौन सा की पर वैल्यू, जो कौन से की पर मौजूद वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं उस की का नाम लिखिए, काम हो गया, एंटर दबाते हैं। और ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं पग में, इस चीज को इंटरपोलेशन भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहां पर फिर से एक जो है हेडिंग टैग का यूज करते हैं और यहां पर जाके हम लोग एक और जो है की वैल्यू को आउटपुट में दिखाते हैं। सेम वही प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है। ट्यूटोरियल करके जो की था उसका मैंने नाम लिख दिया, इस पे जो डेटा मौजूद था वो आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद जो है सिटी करके जो हमारा की बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पर जो वैल्यू मौजूद है उसे आउटपुट में दिखाना है सिटी की पर। तो हम लोग वही काम करेंगे, डेटा लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, सिटी लिख देंगे और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स वाला जो कोड है वो लिखेंगे। तो इसके लिए आपको एंटर दबाना है, बैक स्पेस दबाना है, टैब दबाइए। पहले हम लोग अपने इस इफ स्टेटमेंट को जो सेट कर लेते हैं, टैब स्पेस दबा के इसको इस तरीके से सेट कर लीजिएगा, ये पहले जो गलत सेट हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड में आके एंटर दबाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर एल्स लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे। उसके बाद हम लोग टैब वाला फिर से दबाएंगे बटन ऑफ, हमें जो भी टेक्स्ट आउटपुट में दिखाना है उसे हम लोग आउटपुट में दिखा देंगे। यहाँ पर हम लोग H1 टैग का यूज करेंगे और इसमें कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे, या हम कहें कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करेंगे, जो कि स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट है उस पर एक वैल्यू सेट करेंगे और यहाँ पर जो कलर वाला जो आपका CSS का प्रॉपर्टी होता है उसका हम लोग यूज करेंगे। इसकी मदद से जो टेक्स्ट कलर है उसे हम लोग रेड में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट आउटपुट में दिखाएंगे कि ये मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेट। तो ये जो था मेरा काम कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, हो सकता है कि आप इस इफ स्टेटमेंट के ऊपर आपने कई सारे HTML के टैग बनाए हो या फिर आप इस एल्स वाले स्टेटमेंट के नीचे कई सारे जो है HTML के टैग बनाए हो, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते समय आपको सारे टैग हटा देने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पग के कोड में कहीं पर भी जाके लिख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा पग में, इंडेंटेशन का, मतलब जो ये आप टैब दबा के जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा पग को ये पता चलता है कि कहाँ पे टैग ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो ये काम जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको नोड मॉन लिखना है, एंटर दबाना है, सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा अपने कंप्यूटर पे। एक वेब ब्राउजर को ओपन करिए, वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके लोकल होस्ट लिखिए, एंटर दबाइए और ये देखिए आपने जो जो डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सेट किया था वो सब देखिए आउटपुट में इस तरीके से आ चुका है। अब अगर हम लोग जो है जो डेटा हम लोगों ने यहां पे दिया अगर इसे ना देते तो क्या होता, तो मैं इस डेटा को यहां से हटा देता हूं। अब क्या होगा कि अब जो आपका इफ वाला स्टेटमेंट है वो यहां पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग अपने वापस पर ब्राउजर पर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए एल्स ब्लॉक में जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया और आउटपुट में आपके सामने इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।